अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं भी हों बखैरियत होंगे। आप में से बहुत से दोस्तों को ये याद होगा कि गुज़श्ता बरस मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के खबरनामों के कुछ क्लिप्स और उन कोलीग्स के कुछ क्लिप्स यहाँ पर अपने चैनल पर शाया किए थे जो मेरे पास थे। उसके बाद से मुसलसल ये फरमाइश होती रही, इसरार होता रहा और बहुत से दोस्त ये ख्वाहिश जाहिर करते रहे कि मैं अब्दुस्सलाम की भी, जो अब हम में नहीं है, उनकी भी कोई फुटेज यहाँ पर शाया करूँ। जाहिर है कि मेरे पास उनकी फुटेज नहीं थी, वरना तो आप लोगों को कहने की जहमत भी ना करनी पड़ती और मैं शाया कर चुकी होती। लेकिन मैंने आप लोगों से ये वादा किया था कि मैं कहीं ना कहीं से उनकी फुटेज हासिल करके, जाहिर है पाकिस्तान टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान से उनकी आवाज़ हासिल करके मैं उन पर एक अलहदा कॉलम करूँगी। लेकिन मैं ये वादा वफा नहीं कर सकी। मगर ये मत कहिएगा कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने इसके लिए बहुत कोशिश की। मैं जब पाकिस्तान गई तो मैं ख़ास तौर से पाकिस्तान टेलीविज़न के न्यूज़ रूम में गई। वहाँ पर डायरेक्टर न्यूज़ और भी जो अमले के लोग थे उनसे मैंने बहुत दरख्वास्त की कि मुझे अब्दुस्सलाम की कुछ थोड़ी सी, चंद सेकेंड की ही सही, कुछ थोड़ी सी फुटेज चाहिए। लेकिन क्या सितम ज़रीफ़ी है कि पाकिस्तान टेलीविज़न पर ख़बरनामे में तवातुर से नज़र आने वाला एक चेहरा, जो ख़बरनामे की पहचान हो, उसकी चंद सेकंड की इस फुटेज के सिवा मुझे वहां से और कुछ नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम। पहले अहम खबरों का खुलासा। रेडियो पाकिस्तान के शोबे खबर से हफ्ते में तकरीबन 6 दिन उनकी आवाज़ मुल्क के तूलो अर्ज में नशर की जाती थी, उनके मतदा सुनते थे। लेकिन जब रेडियो पाकिस्तान ने उनकी बरसी के मौके पर उनका एक यादगारी प्रोग्राम नशर किया तो उसमें उनकी सिर्फ एक 10 सेकंड की ये वाली आवाज़ सुनवाई गई जो मैं इस वक्त आपको सुनवाती हूँ। जबकि रेडियो पाकिस्तान में आवाज खजाने का एक पूरा शोबा है जहां फनून लतीफा और अदब और सकाफत से मुतालिक शख्सियात के इंटरव्यू रिकॉर्ड करके और उनकी आवाजें महफूज कर ली जाती हैं। लेकिन इस शोबे में भी जाहिर है कि उनकी कोई आवाज मौजूद नहीं होगी, क्योंकि अगर उनके यादगारी प्रोग्राम में उनकी आवाज नशर नहीं हो सकी तो मैं यही समझ रही हूँ कि शायद वहां भी उनकी आवाज दस्तियाब नहीं है। बहरहाल, अब्दुस्सलाम ने रेडियो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के शोबे से एक टेक्निकल ऑपरेटर के तौर पर रेडियो पाकिस्तान के हैदराबाद स्टेशन से अपने इस फनी सफर का आगाज किया। लेकिन ये उनकी मंजिल नहीं थी। खबरें पढ़ना उनका शौक था, उनका ख्वाब था, उनका पैशन था। वो रेडियो पाकिस्तान के एक तारीख साज न्यूज रीडर शकील अहमद से बहुत मुतासर थे और फिर उनसे मुस्तफीद भी होते रहे और यूं वो मेहनत करके बिल आखिर रेडियो पाकिस्तान के इस शोबे खबर में आ गए, जहां शोहरत और अवामुन्नास की मोहब्बतों ने उनके कदम चूमे। हुकूमत पाकिस्तान यानी सरकार ने उनकी खिदमात का एतराफ तो किया और उन्हें आला तरीन एजाज तमगा हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा। लेकिन बाद अज मर्ग, काश उनकी मेहनतों का समर उनको जिंदगी में मिल जाता। दोस्तों, खबरनामे का शेड्यूल कुछ इस किस्म का था कि मैं और अब्दुस्सलाम बहुत कम साथ हुआ करते थे, लेकिन जब भी हम खबरनामे में साथ हुए और उनसे मेरी मुलाकात हुई, मैंने उन्हें बहुत नफीस, मुनकसरुल मिजाज, सादा और संजीदा शख्स पाया। जहाँ तक खबरों का ताल्लुक है तो खबरों के लिए वो इंतहाई मौजू आवाज़ और बहुत शुस्ता लबो लहजे वाले एक प्रोफेशनल इंसान थे। रेडियो पर वो ज्यादातर रात को एक तवील दौरानिए का बुलेटिन पढ़ा करते थे, जिसको रेडियो पाकिस्तान का मेन बुलेटिन कहा जाता था। इसमें दिन भर की खबरों का एक तरह से खुलासा नशर किया जाता था। ये बहुत ही एक अहम बुलेटिन था और इसे हमेशा सीनियर न्यूज रीडर ही पढ़ा करते थे। वो हस्बे मामूल 8 बजे का बुलेटिन पढ़कर रेडियो पाकिस्तान से बाहर निकले। शायद
उनके तो ये वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी बुलेटिन था। वो स्कूटर पर अपने घर जा रहे थे कि पीछे से आने वाला एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार उनके लिए मौत का फरिश्ता साबित हुआ। उसने ऐसी टक्कर मारी कि वो जमीन पर गिरे और ऐसी आंखें बंद हुई कि फिर खुल ना सकी। वो दो रोज तक मौत और हयात की कश्माकश में मुब्तला रहकर आलम बेहोशी में ही अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अब्दुस्सलाम के यूं अचानक चले जाने पर, जिसमें वो ना अपने अहले खाना से या दोस्तों से अपने कुलीग से कोई बात कर सके, कुछ कह सुन सके, इस पर मुझे उर्दू अदब के एक बहुत ही मारूफ शायर शहजाद अहमद की गजल के ये मिसरे याद आए, जो मुझे यूं लगता है कि जैसे उन्हीं की मौत पर लिखे गए हों। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया है ये भी पता कर नहीं गया। यूं लग रहा है जैसे अभी लौट आएगा, जाते हुए चराग बुझा कर नहीं गया। बेशक उनकी याद उनकी आवाज एक चराग ही तो है। उनको हमसे जुदा हुए 28 बरस बीत गए, लेकिन आज भी उनके मद्दाहों में, उनके कोलीग्स में, उनके साथियों में उनकी आवाज और उनकी याद हमेशा की तरह तरोताजा है और रहेगी। हक मगफरत करे, अजब आजाद मर्द था। इजाजत दीजिए।